यूपी के जिला मुरादाबाद जनपद भोजपुर नगर पंचायत में बुधवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुचि वीरा सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सपा कार्यकर्ता एवं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनके द्वारा भाजपा पर जमकर हमला किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुकदमे झूठे लगाए क्या नहीं लगाए, और आपके हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए क्या नहीं लगाए, उनके परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए क्या नहीं लगाए, उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए। एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापिस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। ये तो बड़े लोगों को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आया कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भी फंसा रही है सरकार। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं, ये राजनीति में खिसियाता कौन है ये बताओ पहले। अगर इनकी सीटें सब निकलने वाली थी तो बताओ पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं, झूठे मुकदमे क्यों लगवा रहे हैं। ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो हार के डर से ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मुरादाबाद के लोगों को, तीन दिन की तो बात है, अगर पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ में मत आना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वोट डालना मत भूलना, मतदान के लिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। जितना मतदान के लिए सावधान रहोगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और अपने बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे। अगर बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे तो यहां के लोग वोट बहुत डालते हैं, इतना वोट डालते हैं कि जाने कितने से जीत हो जाती